नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम इलेवन मनी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो अब मैच को कवर करूँगा, सनराइज़र हैदराबाद यहाँ पे और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो कल मैच होगा हैदराबाद में, इसके बारे में बात करेंगे। प्लेइंग अलेवन इंपॉर्टेंट प्लेयर, बहुत सारे आपको न्यूज़ेस है यहाँ पर। वीडियो को केयरफुली देखिएगा, पूरा लास्ट एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या टीम क्रिएट करनी है। आप खुद टीम बनाना सीख जाओगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टैट्स मैं आपको शेयर करूँगा, बेस्ट परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, कम्बिनेशन क्या हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको डीपली कवर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ग्रैंड लीग की टीम आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको बल्लेबाजी की टीम मैं जो दूँगा वही आपको अपने बल्लेबाजी में रख लेना है, सेफ और बेहतर टीम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर देख रहे हो तो मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हो फैंटेसी पावर अलेवन पर बात कर रहा हूं, आपको ड्रीम अलेवन टीम भी मिलेगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, अगर इस पर अभी तक नहीं जुड़ पाए हो तो आप लोग जुड़ जाइए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पे टैलेंटेड लोग नहीं पहुँच पाए हैं, अच्छा विनिंग कर लोगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। पेटीएम बैंक के थ्रू फास्ट विड्रो है, बोले तो इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर विड्रो मिल जाता है। लो कंपटीशन है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, 100% बोनस यूजेबल है, 800 प्लस एक मैच में आप यूज कर सकते हो बोनस को, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में। तो आओ खेलो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप जो बेहतर हो सकता है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के लिए न्यूज़ेज़ वगैरह, स्टैट्स वगैरह है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल की सबसे पहले बात करूँगा। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हो, न्यूज़ वगैरह आपको मिल जाती है, टीम भी मिल जाया करती है अगर अवेलेबल होता हूँ तो। करना क्या है आपको टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, ड्रीम टू टीम सर्च कर लेना है, आपको ड्रीम इलेवन मनी के नाम से चैनल दिख जाएगा, तो वहाँ पे जाइए, जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर काम नहीं कर रहा होगा तो आप ड्रीम टू टीम सर्च कर लीजिए, ड्रीम इलेवन मनी के नाम से आ जाएगा। आईपीएल में धमाका चल रहा है ड्रीम इलेवन मनी की तरफ से, जो 50 रुपये आप पेटीएम डेली विन कर सकते हो, और आईपीएल के एंड में 2100, 1600, 2100, 3100 ये सारे पैसे विन कर सकते हो। बट उसके लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपको हैशटैग ड्रीम इलेवन मनी हैशटैग, उसके बाद जो नेम होगा उसके बाद जो आंसर देना होगा वो आपको ये। बाकी फ्रेंड्स, कोई भी पेटीएम नंबर कमेंट नहीं करेगा कमेंट में, अगर पेटीएम नंबर आप कमेंट करते हो तो आपका जो कमेंट रहेगा वो माना नहीं जाएगा, तो पेटीएम नंबर कमेंट ना करें, आपका मिसयूज भी हो सकता है, तो इस पर खासा ध्यान दीजिए। पेटीएम नंबर नहीं कमेंट करना है किसी को भी, अगर जो विन करेगा मैं उसका खुद पेटीएम नंबर मांग लूँगा। कल का क्वेश्चन है, रायडू और वार्नर दोनों का मिला के कितना स्कोर होने वाला है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। आपको करना क्या होगा, ड्रीम इलेवन मनी हैशटैग, उसके बाद रायडू और वार्नर, उसके बाद जितना स्कोर करेंगे वो, जिसका सही होगा, आसपास भी सही हो जाएगा फिर भी उसको पैसे मिल जाएंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फैंटेसी पावर 11 के बारे में बता दिया हूं। अब थोड़ा सा पिच कंडीशन की बात करूं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में खेला जाएगा, लास्ट 2 मैच से देखा जाएगा तो उतना स्कोर नहीं बन रहा है और ऑल आउट टीम हो जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मुंबई के खिलाफ। उसके बाद जो सेकेंड मैच हुआ था आपको बात करेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पर अब हेड टू हेड स्टैटिक्स की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ प्लेड यहाँ पे 11 मैच हुए हैं, जिसमें सीएसके 9 यानी चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैच विन किया और सनराइज़र हैदराबाद यहां पर 2 विन किया, यानी कि पलड़ा भारी है। और अभी आपको बहुत सारे स्टेट्स मिलने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कम्बिनेशन रखना होगा। यहाँ पर मैं बात करूँ अब हैदराबाद में जितने मैच खेले गए हैं 3, उसमें से सीएसके 2 विन किया है। उसके बाद यहाँ चेन्नई में 2 खेले गए हैं, सीएसके यहाँ पर 4 खेले गए हैं, जो यहाँ पर तो 2 का जो ये विन किया हुआ है, बाकी एकाध मैच यहाँ पर नॉन यहाँ पर रिजल्ट रहा है। बाकी यहाँ सनराइज़र हैदराबाद का
एवरेज बताएं अगेंस्ट के, तो जो सीएसके खिलाफ है 169 है और सीएसके का एवरेज है हैदराबाद के खिलाफ 180 का, यानी कि थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा यहाँ पर सीएसके का। मोस्ट रन में यहाँ पर सुरेश रैना है, उसके बाद मेरे हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे केन विलियमसन आपके लिए कल बहुत बड़ा प्लेयर होने वाले हैं स्पेशली ग्रैंड लीग में। मैं आपको ट्रम्प कार्ड के बारे में भी बताऊंगा कौन पिक हो सकते हैं। विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद डेवन ब्रावो, डेवन ब्रावो है नहीं, उनका जगह लेने वाले हैं दीपक चहर जो लास्ट 2018 में ले चुके हैं जगह, यानी कि 3 विकेट निकाले थे, उसके बारे में भी बात करूंगा अभी थोड़ा सा। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रम्प कार्ड की अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे सीएसके की तरफ से, तो वाटसन मिलेंगे, रायडू मिलेंगे, रैना भी एक अच्छे इंपोर्टेंट में है। दूसरी यहां पर सनराइजर हैदराबाद की तरफ से केन विलियमसन, राशिद खान, ये 5-6-4 प्लेयर आपको बेहतर और ट्रम्प कार्ड में मिलेंगे। यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ, वाटसन सेंचुरी मार चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पहले। रायडू का लास्ट ईयर की स्कोर आप देख सकते हो, पहले मैच में चेन्नई में खेले थे तो 100 स्कोर किए थे, हैदराबाद में खेले थे तो 79 का स्कोर किए थे। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे दोनों बार मैन ऑफ द मैच रायडू ही हुए, दोनों मैच सीएसके विन किया था। यहाँ पे केन विलियमसन भी 80 के आसपास स्कोर किए थे, जो सनराइजर हैदराबाद यानी कि हैदराबाद में मैच खेला गया था। तो ये आप लोगों के लिए कुछ अच्छा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलाएगा ग्रैंड लीग के लिए। अब यहाँ पर हैदराबाद की मैंने बात किया, यहाँ पर आप दिखा देता हूँ जो लास्ट मैच खेला गया था हैदराबाद में, सीएसके 182 3 विकेट पर स्कोर कर दिया था, जिसमें रैना 43 पर 54 रन स्कोर किया था। 37 बॉल में रायडू ने 79 का स्कोर कर दिया था। मेरे हिसाब से कल बड़ी हीटिंग कर सकते हैं, इनका सिलेक्शन भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ है, तंज कस रहे, मे भी कल कुछ उलट फेर हो सकता है। धोनी 12 बॉल पे 25 रन बना के फिनिश किए थे इनिंग को, भुवनेश्वर 1 विकेट निकाले थे और राशिद खान 1 विकेट निकाले थे, इंपॉर्टेंट में यही दोनों होने वाले हैं। हैदराबाद 178 पे 6 विकेट गिर गए थे, विन नहीं कर पाई थी। दीपक चहर 3 विकेट निकाले थे, जो कि यहाँ पर सरादुल ठाकुर और डीजे और करण शर्मा 1-1 विकेट निकाले थे। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों से इंपॉर्टेंट प्लेयर की जैसा कि बात करूँ ग्रैंड लीग के लिए, तो आप लोगों को बता चुका जैसा कि सेन वाटसन रहेंगे, वाइड रायडू रहेंगे, सेन वाटसन अगर सीएसके में खेलते हैं तो रहेंगे, बट मेरे हिसाब से वाटसन खेलते हैं तो, बाकी रायडू और रैना को भी रख सकते हो, विलियमसन, राशिद खान, ये ट्रम्प कार्ड के रूप में अपनी टीम में रखिए और कम्बिनेशन बनाइए। बाकी यहाँ पर अब मैं आप लोगों से प्लेइंग 11 इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सीएसके की बात करूँगा तो वाटसन खेल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एक मैच में दिल्ली के खिलाफ जो मैन ऑफ द मैच हुए थे 44 रन का स्कोर किया था, आप लोग देख सकते हो, उसके बाद किसी भी मैच में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। डुप्लेसिस आए, 2 मैच में अच्छा किए, बाद फ्लॉप हो गए। रैना लास्ट मैच में आप देख सकते हो अच्छा स्कोर किया। एमएस धोनी है, रायडू है, केदार जाधव, उसके बाद मिचेल सेटनर हैं, दीपक चहर, सरादुल ठाकुर, हरभजन सिंह यहाँ पर इंजर्ड हैं तो ताहिर हैं। मैं यहाँ पर जो आप परफॉर्मेंस की तरफ से बात कर लूँगा तो मेरे हिसाब से आप चाहो तो डुप्लेसिस को रखो, रैना को रखो, रायडू को रखो, धोनी को भी विकेट कीपर सेक्शन से रख सकते हो, बट जॉनी बेरिट्सो ओपनिंग करेंगे बेहतर रहेंगे। अब यहाँ पर बात करूँ तो केदार जाधव वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है, मे भी खुशी से कुछ करें, रविंद्र जडेजा का भी हुआ है। मैं अब आप लोगों से बेस्ट की बात कर लेता हूँ सीधे सीधे, डुप्लेसिस, रैना, रायडू, उसके बाद यहाँ पर जडेजा, दीपक चहर और यहाँ पर आपको इमरान ताहिर, ये कुछ अच्छे में और इम्पोर्टेंट में हैं, तो इन्हीं को अपनी टीम में कम्बिनेशन बनाइए। एक टीम में बना रखा हूँ आपको दिखाऊंगा, उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छी लगे तो, कोई न्यूज आता है इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो वहाँ करना क्या आपको बता चुका हूँ, ड्रीम टू टीम सर्च कर लीजिए, ड्रीम 11 मनी के नाम से आ जाएगा, जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए। डीजे ब्रावो अभी भी इंजर्ड है, कोई न्यूज नहीं है तो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद का, जो इनके होम ग्राउंड में खेला जाएगा लेकिन फिर भी यहां पर स्ट्रॉन्ग नजर आती है ये सीएसके, लास्ट ईयर भी विन की थी सीएसके अच्छे मार्जिन से, जिसमें मैन ऑफ द मैच रायडू रहे थे, अटैकिंग खेलते हैं और यहाँ पर जॉनी बेरिट्सो ओपनिंग करेंगे, और डेविड वार्नर लास्ट टाइम नहीं खेले थे तो केन विलियमसन 80+ स्कोर कर दिए थे।
लास्ट टाइम जी यहाँ पर केन विलियमसन खेले थे, विजय शंकर, मनीष पांडे, रिक्यू भोई खेले थे मनीष पांडे की जगह लास्ट मैच, और यूसुफ पठान की जगह यहाँ पर अभिषेक शर्मा खेले थे, दीपक हुडा खेले थे, राशिद खान, मोहम्मद नबी की जगह केन विलियमसन थे। तो मेरे हिसाब से फिर से केन विलियमसन खेलेंगे, भुवनेश्वर कुमार, और यहाँ पर लास्ट मैच कॉल की जगह खलील अहमद खेले थे जो 3 विकेट निकाले थे, संदीप शर्मा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से बेस्ट और इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करूँ तो ऊपर से 3, चाहो तो 4 भी रख सकते हो, जो कि बैटिंग सेक्शन में आ गए हैं। विजय शंकर बॉलिंग तो करा नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से केन विलियमसन, डेविड वॉर्न, जोरिन बैट्सो, ये 3 ऊपर से बेस्ट में रहेंगे। ऊपर से उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर एक मिडिल ऑर्डर में बैटमैन से रख सकते हो, अगर ऊपर से अगर आउट होते हैं तो आपको मिडिल ऑर्डर में ज़रूर चाहिए, जैसे कि आप रिकी भुई खोलते हैं तो रिकी भुई, नहीं तो मनीष पांडे, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील को भी रख सकते हो, खलील या संदीप शर्मा में से किसी एक को रख सकते हो, दोनों बेहतर हैं। तो आपको मिल गए कितने यहाँ पे 6-7 प्लेयर अच्छे और इम्पोर्टेंट मिल गए, तो इन्हीं से अपनी टीम को कम्बिनेशन बनाइए। बाकी मैं आपको बल्लेबाजी की टीम को दिखा देता हूँ, आप बल्लेबाजी में उसी टीम के साथ जा सकते हो, आप देख सकते हो क्या टीम है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एक बल्लेबाजी का प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, 24 घंटा के अंदर विड्रॉ दे देता है, लो कंपटीशन है, बहुत आराम से विन कर लोगे। मैं इसका टीम दिखा देता हूँ आपको, जो क्लासिकल टीम है, डेविड वॉर्नर कैप्टन, रैडू आइस कैप्टन, यहाँ पर रैना डुप्लेसिस, उसके बाद केन विलियमसन, जॉनी बैरिट्सो, रविंद्र जडेजा, आप चाहो रविंद्र जडेजा की जगह ऑलराउंडर सेक्शन से अभिषेक शर्मा को रख सकते हो, ये है, इमरान ताहिर, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चर, खलील अहमद। तो आप अगर बल्लेबाजी खेल रहे हो तो इस टीम के साथ जा सकते हो। बाकी मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ जो टीम बना रखा हूँ ड्रीम इलेवन की, उसके बारे में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल विकेट कीपर सेक्शन से यहाँ से जॉनी बैरिट्सो हैं, उसके बाद धोनी को आप चाहो रख सकते हो, अच्छे में हैं, पॉइंट को आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, दोनों का सेम ही पॉइंट है, बाकी नीचे में कोई सेफ नहीं है, तो अपने टीम में मत रखिए। स्मॉल लीग टीम में मेरे हिसाब से बेहतर यही है, बेहतर ये भी हो सकते हैं आप चाहो तो रख सकते हो, जो थोड़ा सा स्लाइटली हैं ऊपर आते हैं, इस वजह से मैंने इनको रखा है। बैटिंग सेक्शन से 5 रखा, डेविड वॉर्नर, सुरेश रैना, उसके बाद यहाँ पर यहाँ रायडू को, डुप्लेसिस को रखा है। अब मैं बात करूँ विजय शंकर को, यहाँ से अगर आप हटाते हो तो एक सेकंड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेविड वॉर्नर, सुरेश रैना, उसके बाद केन विलियमसन रहेंगे और रायडू रहेंगे और यहाँ पे डुप्लेसिस रहेंगे। अगर आप केन विलियमसन को निकाल देते हो तो आपके पास एक अच्छे इंपॉर्टेंट बॉलर आ जाएंगे जो राशिद खान है, इनकी जगह आप चाहो तो विजय शंकर को रख सकते हो, ये भी आएंगे 2 डाउन, तो इनको आप चाहो अपने टीम में रख सकते हो। बाकी अब मैं ऑप्शन की बात करूँ तो वॉटसन थोड़े से रिस्की हैं, बट आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में अच्छे रहेंगे, केदार जाधव खेलेंगे, आप चाहो इनको रख सकते हो, मनीष पांडे, रिकी भुई, कोई एक खेलेगा, विजय शंकर खेलेंगे, वर्ल्ड सेलेक्शन हुआ है तो खेलेंगे, यूसुफ पठान, वही मेरे हिसाब से 50-50 है, तो दीपक हुडा को आप रख सकते हो, क्रेडिट पॉइंट 8 है, अच्छे में मिल जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ एक रखा, रविंद्र जडेजा, डेओन ब्रावो अभी भी इंजर्ड है, इनका कोई न्यूज़ नहीं है, नबी खेलते हैं तो मे भी यहाँ पर नबी खेलेंगे तो विलियमसन या राशिद खान, इन दोनों में से किसी एक की जगह कोई निकलेगा तभी खेलेंगे। अभिषेक शर्मा है, आप चाहो तो रख सकते हो, सेटनर भी हैं यहाँ पर, 2 ऑप्शन में हैं, चाहो तो रख सकते हो, अच्छे में मिल सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ, इमरान ताहिर को रखा हूँ, उसके बाद दीपक चहर को रखा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो खलील अहमद को रखा हूँ। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात करूँ तो राशिद खान अच्छे में मिलेंगे आपको, उसके बाद सरादुल ठाकुर, सिद्धार्थ कौल में नहीं खेलेंगे क्योंकि लास्ट मैच नहीं खेले थे, इनकी जगह खलील अहमद खेल रहे हैं, और यहाँ पर चेंजेज अगर कोई हो सकता है तो बहुत कम चांस है, रेयर चांस है जो चेंजेज हो सकता है, आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उससे पहले बात करूँगा अभी फैंटेसी 11 के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, अगर फैंटेसी 11 पर अभी नहीं खेल रहे तो खेल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा चांस है विन करने का, फ़ोन है एक सैमसंग गैलेक्सी MS 10 है, तो खेलिए, आप 500 से 25,000 डिपॉजिट करते हो, आप यहाँ पर 30% आपको कैश बोनस मिल जाएगा, प्रोमो कोड डालना है कैश 30,
तो आपको मिल जाएगा। लो कंपटीशन है इसका, पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ से आप जाओ, पॉइंट सिस्टम आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 रन का 1 पॉइंट सिस्टम होता है और अच्छा प्लेटफॉर्म है। 24 घंटा के अंदर विड्रॉ होता है। मेन बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो जाओ खेलो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्रीव्यू दिखा देता हूँ, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे यहाँ पे। तो आप प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ पे कैप्टन मैंने डेविड वार्नर को बनाया, वाइस कैप्टन मैंने अवंती रायडू को बनाया है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फॉफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना भी ऊपर ही आएंगे, और यहाँ पे जॉनी बैरिट्सो हैं। तो ये कुछ है आप देख सकते हो। तो अगर आप बल्लेबाजी खेल रहे हो तो इस टीम के साथ जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके पास विलियमसन भी अच्छे में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।